हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरना एक ऐसी प्रॉब्लम है कि सब लोगों को तो उसकी जानकारी ही नहीं है। कई बार जब कंधा उतरता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सेट कर देते हैं, लेकिन इसका जड़ से इलाज नहीं हो पाता। वो लोग कहते हैं कि सर बताइए कोई जड़ से इलाज है, तो वो कहते हैं कि भाई आपका ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा लेकिन हाथ पूरा नहीं उठेगा। तो डर के मारे पेशेंट घर आ जाता है, सोचता है कि जैसे चल रहा है वही चलने देते हैं, अब ये नई मुसीबत मोल नहीं ले सकते। लेकिन जो मेरा चैनल देखते हैं तो पता चलता है कि भाई कंधा उतरने का जो इलाज है वो गारंटी से उपलब्ध है और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंडिया के हर कोने से ही लोग आ रहे हैं और यहाँ पर सर्जरी करा के जा रहे होते हैं। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम श्रवण सिंह है, राजपुरोहित। श्रवण सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के रहने वाले। आपको जो कंधा उतरने की दिक्कत थी वो कितने दिन से थी? ये लगभग 2012-13 में शुरू हो गई थी। तो आपने आसपास में कहीं दिखाया था क्या? क्या राय थी डॉक्टर्स की? फर्स्ट में जब मेरा कंधा उतरा था, इधर उधर बाजू में जान पहचान वालों को पूछा तो एक नाड़ी वैद्य का नाम बताया था, जो हमारे गांव के बाजू में ही है, उनके पास गए तो उन्होंने वो वापस हटा दिया था। उसके बाद क्या 12 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी कंटिन्यू उतर रहा था, तो कभी कभी खुद बिठा देते थे, कभी उसके पास जाना पड़ता था। अभी फिलहाल लास्ट में क्या हुआ, होली के 2 दिन बाद के थ्रो करते वक्त उतर गया था, और एक दिन छोड़ के रात में सोते वक्त नाइट में हाथ पीछे गया ना, तो वहाँ उतर गया रात में। तो फिर उस टाइम बहुत दर्द हुआ, क्या पता कब उतरा कब नहीं उतरा, कितना टाइम उतर के रह गया। तो फिर उसके बाद सोचा कि अभी तो पूरा पक्का इलाज इसका कराना ही पड़ेगा। सही बात है। और फिर मैंने इधर उधर यूट्यूब पर चेक किया तो सबसे पहले आपका वीडियो आया, आपका वीडियो देखा, आपके बहुत सारे वीडियो देखे, तो मन में थोड़ा बहुत तसल्ली हुआ, हाँ यहाँ पे हमारा काम हो सकता है। फिर आपसे कांटेक्ट किया, हेल्प वो व्हाट्सएप से कांटेक्ट किया आपसे, तो आपने पूछा आप एक्सरा भेज दो या कुछ MRI वगैरह भेज दो, तो वो तब तक हमने कोई जांच वगैरह करवाई नहीं थी। फिर मैं जांच करवाई, एक हॉस्पिटल है बड़ा कुछ नाम से, तो वहाँ पर जाँच करवाई मैंने, तो उस डॉक्टर ने मेरे को बोला वो MRI जो थी वो 1.5 टेस्ट लगी थी, ठीक है, तो उसमें डॉक्टर को खुद को पता नहीं चला कि तकलीफ क्या है। सही बात है। वो एक ऑपरेशन, वो बोला 2 ऑपरेशन होंगे। ओके। मैं 2 का ही कहोगे, एक दूरबीनी वाला भी होगा और एक हाथ वाला भी होगा, ठीक है, मतलब जो आगे भी उतर रहा है तुम्हारा, पीछे भी उतर रहा है, क्या पता किधर उतर रहा है, वो MRI समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैं बोले कौन सा करोगे, तो तुम मेरे पास, मेरे को टाइम दिया 2 दिन का, 2 दिन के बाद आ जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन कर लेंगे, 2 दिन एडमिट रहना पड़ेगा, फिर जयपुर से सामान मंगवाएंगे, उसको इम्पोर्टेड स्क्रू वगैरह ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो मैं तुम्हारे पास 2 दिन या सीधा भाड़ा करके मैं पड़ा रहूँगा, मैं जयपुर क्यों नहीं चला जाता। फिर मैंने वापस आपसे कॉन्टेक्ट किया, आपने बोला आ जाओ, तो मैं यहाँ जयपुर आ गया। ऑपरेशन में कितना दर्द हुआ आपको? नहीं, ऑपरेशन में कुछ दर्द नहीं हुआ, सुन हो गया था वो कंधा, थोड़ा मतलब लाइट हल्का महसूस हो रहा था। कंधा उतरने में ज्यादा दर्द होता है कि ऑपरेशन में ज्यादा दर्द होता है? कंधा उतरने में ज्यादा दर्द होता है। तो कोई ऐसे लोग हैं जो जोधपुर के रहने वाले हैं और जिनको कि कंधा उतरने की दिक्कत है, तो आप क्या मैसेज दोगे, मारवाड़ी में कह सकते हो कुछ? हाँ, मेरी यही सलाह है, उन्होंने यहीं पे आके इलाज होगा, बाकी ये उतरना करना ये तो कंटिन्यू उतरेगा। सही बात है। ये तो ऐसे जैसे मान लो कि कोई चैन ढीली हो गई, अब आप साइकिल चलाओगे तो चैन बार बार उतरती रहेगी जब तक आप उसको टाइट नहीं कर देते हो। हाँ, अभी मेरा जीजा है नासिक में, मेरे मामे की लड़की दी हुई, उनका वो उनके कपड़े का साड़ी का बहुत बड़ा बिजनेस है, उनको उतरा, उनको भी मैंने अभी कल फोन करके बोला मेरा हो गया है, तुम भी देख लो एक बार, जांच करवा लो, उनका बार बार उतर जाता है। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र लगभग बहुत है, उनका बच्चा बच्चे भी शादी कर ली, उनकी उम्र रहेगी कम से कम 45-50 के आसपास। दोस्तों, अगर आपको भी कंधा बार बार उतर रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन है, जैसे कि इन्होंने बताया कि कोई ज़्यादा दर्द वर्द होता नहीं है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन।